जल प्रबंधन को समझने के लिए जल की बनावट को समझना अति आवश्यक है, जिसके कारण जल किस प्रकार का बिहेव करता है पौधों में और मृदा में, ये इससे पता चलता है। तो जल की जो बनावट होती है उसमें हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम आपस में 104.5 डिग्री पर जुड़े होते हैं, और जिस ओर ऑक्सीजन होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है, और जिस ओर हाइड्रोजन होता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया होता है, और ये आपस में जुड़कर एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जुड़ने के कारण ये वी शेप मॉलिक्यूल्स बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिबिट करता है पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण ये अनयूजुअल प्रॉपर्टी दिखाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन की तुलना में, और हाइड्रोजन का जो साइट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण इसे डाइपोलर भी कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वाटर को बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री से ऊपर का देता है, और इस तरह एक जल के मॉलिक्यूल्स दूसरे जल के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए जुड़ते चले जाते हैं, और एक एक पॉलीमराइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जिसे कहते हैं, वो लगातार एक दूसरे से जुड़कर एक पॉलीमर की तरह लंबे चेन में जुड़ते चले जाते हैं।